गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम आशियाना। मैं हाँ तुहाड़ा दोस्त गुरजिंदर सिंह। जेकर तुसी भी साढ़े चैनल नू फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल नू सब्सक्राइब जरूर कर लो और बैल आइकन नू ओके कर लो, सो दैट आने वाले समय दी सारियां वीडियोस तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। सो गाइज, अज दी वीडियो विच तुहानू एक हाउस दिखाण जा रहे हैं जो कि स्पैनिश डिजाइन च रहेगा, स्पैनिश विला रहेगा और बहुत ही प्यारा इस नू डिजाइन किया गया है। डुप्लैक्स हाउस है, इंटरनल स्टेयर्स रहनगियां इस दियां और वाह कमाल इसका डिजाइन चूज किया गया है। गल करते हैं साइज की, जो इस हाउस का डिजाइन है वह 200 गज रहेगा, यानी कि 8 मरला आप कह दें, 8 मरले के तकरीबन साइज से पूरा विला बनया हुआ है। 30 का तुहाडे घर का फ्रंट आ जाता है तो 60 की इसकी लंबाई आ जाती है। सो जिहड़ा तुसी एलीवेशन देख रहे हो 30 फीट च डिजाइन है, जो इस घर की लंबाई है वह 60 फीट च डिजाइन होगी, पर वह 60 फीट तुहाडा इत्थों शुरू हुंदा है, यानी कि आ लगभग 8-9 फीट की जी जगह देख रहे हो, तुहानू बरम के रूप में एक्सट्रा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। तो देखो कितना सोहना गार्डन एरिया तुहाडे लई डेवलप किया गया है। तो हाउस की फेसिंग रहेगी वैस्ट फेसिंग, लोकेशन देखो बिल्कुल रेडी टू मूव है, बिल्कुल आस पड़ोस सारे घर रेडी हो चुके हैं, कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस नहीं है कि तुहानू दिक्कत का सामना करना पेगा। यही सब तो वड्डी डिमांड आती है कि लोकैलिटी रेडी टू मूव होनी चाहिए है। इसकी लोकेशन सैक्टर 125 आ जाती है चंडीगढ़ की, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। एंट्री गेट की गल कर लेंगे, एक बहुत ही सोहने डिजाइन का आयरन का हैवी गेट तुहानू नाल मिलन जा रहा है और एक छोटा गेट नाल मिलन जा रहा है। एक गड्डी तुहाडी बाहर पार्क हो जाएगी, एक गेट अगे भी पार्किंग कर सकते हो, स्टिल एक वड्डी एसयूवी कार तुहाडी इंटरनल पार्किंग रखी गई है, यानी कि लगभग 3 गड्डिया की कार पार्किंग तुसी ईजीली घर विच कर सकते हो। और इस साइज देखो जो गार्डन एरिया पूरा डेवलप किया गया है। फिर भी जेकर तुम परसनल कार स्पेस चाहते हो पार्किंग लिए, इस स्पेस में भी तुम एज अ कार पार्किंग कन्वर्ट कर सकते हो। लैम्प देखो किन्ने वधिया लैम्प्स लगा दिए गए हैं, हजे ऑन होने बाकी है, जो कि इसकी लुक होर बेहतरीन बना देगा। विंडोज की गल करते हैं, यूपीबीसी डोर विंडोज दिखाई जा रही है, मैच डोर तो यूपीबीसी रहेंगे विंडोज, जो कि बहुत प्यारा एक्सपीरियंस तो बनाने वाली है, कोई दीमक नहीं लगेगा, कोई खराब नहीं होगा। एंट्री डोर भी हैवी वुडन का डोर है, डिजाइन देखो डिजिटल लॉक नाल इस नू रेडी किया गया है और बहुत हैवी डोर है, बहुत वधिया तुहानू क्वालिटी मिल रही है। सब तो मेन और इंपोर्टेंट पार्ट तुहाडा फर्स्ट आ जाएगा तुहाडा लिविंग एरिया, तो देखो ड्रॉइंग एरिया कितना सोहना है, बिल्कुल सैपरेट है घर के स्टार्टिंग ची एरिया आ गया, सो दैट तुहाडी प्राइवेसी नू कोई भी इशू ना होवे, तुहाडे घर कोई भी गैसट आवे तो यह स्पेस तुहाडा परसनल लिविंग एरिया है। तो देखो हाइट देखो इसकी लगभग 22-23 फीट की हाइट है जो उपर छत है, और इसकी लुक नू कितना बेहतरीन बना दिंदा है, स्पेशली इंटरनल स्टेयर है तो जो इतने आयरन वर्क किया हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है, पूरी जान बना दिंदा है कार नू। और आ विंडोज का डिजाइन हर एक चीज का कॉम्बीनेशन इस नू बहुत सोहना बना दिंदा है। अगे वधदे हां घर की तरफ, तुसी देखो जिहड़ा आह छत वाला हिस्सा आ इस नू यूपीवीसी पैनलिंग नाल कवर किया गया है, तो इसकी लुक नू होर बेहतरीन बना दिंदा है। कुछ एक्सट्रा स्पेस आ जाएगा स्टोरेज वास्ते या डेकोरेशन वास्ते आप इस नू यूज कर सकते हैं। तो ड्राइंग एरिया तुसी देख लिया सी, डाइनिंग एरिया बिल्कुल सेपरेट है और ओबियसली किचन के अगे ही होएगा। है डाइनिंग स्पेस आराम नाल 10 सीटर 12 सीटर डाइनिंग टेबल बहुत वधिया सैटअप होएगा और फिर भी चलने लिए बहुत स्पेस बच जाएगा, इवन तुसी अपना डबल डोर रेफ्रिजरेटर भी लगाओगे तो भी तुहाडे कोल स्पेस काफी है। आओ किचन देखते हैं, अगर तुहाडा फ्रिज का स्पेस लगभग 4 फीट की हैगी चौड़ाई तो इतने भी आराम नाल फिटिंग हो जाएगी, स्पेस वैसे फ्रिज वास्ते ही छड्डिया गया है। किचन देखो 200 गज का घर बाय करन आ रहे हो तो किचन बहुत सोहना डिजाइन किया जाता ही है, प्लस तुहाडा ब्रेकफास्ट टेबल नाल तैयार किया गया है और बहुत प्यारी किचन तैयार की गई है। जनरली गल करते हैं कैबिनेट्स तुहाडे सॉफ्ट क्लोजर रहेंगे सारे, अपर कैबिनेट्स आ गई, फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट कंप्लीट आ गई, तो हर एक चीज इसकी लुक नू बहुत बेहतरीन बना देती है। चिमनी का स्पेस देखो बिल्कुल फॉल सीलिंग विच ही ऐड कर दिता गया है, हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान दिता गया है इस घर विच। आओ तुहानू मास्टर बेडरूम दिखाने हैं, मास्टर बेडरूम विच टाइल की ग्रोटिंग हजे बाकी है, टाइल फिटिंग चल रही है, जो टाइल लगी सी वो लुक वधिया नहीं बना रही थी इसलिए उसको चेंज किया जा रहा है, जिस करके ये काम हजे पेंडिंग है पर जब तक तुसी विजिट करोगे फिनिश हो चुका होगा। फॉल सीलिंग च वुडन वर्क भी है, प्लस एक देखो एलईडी लाइट तो है, प्लस फैंसी लाइट्स भी ने जो इस दिया लुक नू बहुत बेहतरीन बना दिंदियां है।
स्पेशली तुहाडी विंडोज आ गई, बैक डोर आ गया, यूपीवीसी का डोर दिता जा रहा है, मैश डोर नाल ऐड किया जा रहा है, काफ़ी कोस्टली पैंदा है वुडन के मुकाबले, सो तुहाडी लुक नूं बहुत बेहतरीन बना रहा है घर की। आओ देखिए कबर्ड एरिया सामने तुहाडा ड्रैसिंग आ गया, सो कर्टन करके एरिया तुहाडा बिल्कुल सैपरेट रहेगा अगर तुसीं रेडी होना चाहते हो। और कबर्ड देखो, इट्स अ ह्यूज साइज कबर्ड, लगभग चार तुहानूं डोरस अलग अलग मिल रहे हैं, अठ डोरस लगे हुए हैं, चार खाने आप कह सकते हैं, बहुत वधिया तुहानूं स्पेस इत्थे मिलन वाला है। सो स्टोरेज नूं लैके कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वॉशरूम्स नूं देखदे हां, टाइल कलर बहुत प्यारे ने, पता लगता है कि ब्रांडेड टाइल्स यूज कीतियां गईयां आ, फ्लोरिंग टाइल्स और एंटी स्किड आ गईयां, फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट वॉशरूम्स भी आ गई, प्लस तुहाडे डिवर्टर्स आ गए, ऑब्वियसली जैगुआर सैरा जां कोई बहुत वधिया सैनिटरी फिटिंग इत्थे लगाई जाएगी तुहाडे लई। सो स्पेस 200 गज दे घर च हमेशा ही वधिया मिलदा आ, सो ये चीज तुहानूं ऑब्वियसली बहुत वधिया मिल रही है। आओ सैकंड बैडरूम देखते हैं जो कि ग्राउंड फ्लोर ते ही रहेगा। वाओ, फॉल सीलिंग विद एलईडी लाइट आ गई, लाइट्स ऑन कर लेते हैं, मैश डोर्स आ गए यूपीवीसी वाले, कबर्ड्स आ गए, लुक एट द डिजाइन ऑफ कबर्ड्स, है वुडन का ही है, लगा सनमाइका ही है, बट डिजाइन इस तरह से चूज किया गया है कि बहुत प्यारा लग रहा है। स्लाइडर कबर्ड्स ने, ड्रॉज वगैरह बने हुए हैं प्रॉपर, हैंगिंग कर ले भी छोटी छोटी चीजें लगा दी गई हैं, जो कि बढ़िया गल है। असं जनरली कबर्ड्स देखते हैं आ छोटी जी एक नई चीज लगाई जाती है जिसे आप हैंगिंग करने होंगे क्लॉथ्स, सो मैंने लगता है कि छोटी छोटी चीजें नाल ही रेडी कर दी जानी चाहिए ताकि बाद चो काम ना कराने पैन। इस भी थोड़ा ड्रैसिंग एरिया इस साइड चल जाएगा, इतने भी थोड़े स्टोरेज लिए कबर्ड्स बने हुए हैं और वॉशरूम इस साइज आ जाएगा। टाइल कलर्स वाकई बहुत प्यारे हैं, फुल लेंथ तक दी टाइल्स रखी गई है विद फॉल सीलिंग विद लाइट्स आ गया है। सैनिटरी फिटिंग पोजेशन टाइम इसलिए लगाई जाती है सो दैट कोई यूज ना कर ले, फिर वो गल नहीं रही अगर कोई यूज कर ले, इस करके इन चीजों को ध्यान दिता जा रहा है। जो थोड़े स्विचिज यूज हो रहे हैं गोल्ड मेडल के हो रहे हैं। आओ तुम एक बार वॉशिंग एरिया का स्पेस भी दिखाई देने, विच इज योर बैकयार्ड, इट्स अ ह्यूज स्पेस, सो दोनों तरफ देखोगे, दोनों रूम नाल अटैच है स्पेस तुहाडा। सो हुण चलते हैं असीं फर्स्ट फ्लोर ते जिथे तुहाडी दो बैडरूम अगेन होर बने हुए आ, टोटल फोर बैडरूम हाउस रहेगा, स्टेयरकेस बहुत प्यारा है जो कि लुक नूं बहुत बेहतरीन बना दिंदा है। This is the unique concept. ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਿਵਿੰਗ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਡਾਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਨੀਚੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡਰਾਇੰਗ ਏਰੀਆ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਫਾਲ ਸੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਲਾਈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪੂਰੀ ਵਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਵੁਡਨ ਦਾ ਹੈਵੀ ਵਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾ ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਫਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸਟੇਅਰਸ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ, बहुत प्यारा लग रहा है। और इस तो फ्रंट बैल्कनी आ गई, बारो आप डिजाइन देखे इसी, बहुत प्यारा लग रहा है। फर्स्ट फ्लोर ते भी सानू एक वड्डी किचन तैयार करके दिती जा रही है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं की गई, एक सेपरेट किचन तुम फर्स्ट फ्लोर ते तैयार करके दिती जा रही है, फिनिशिंग वर्क पैक पेंडिंग है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा, सो इट्स अ गुड स्पेस ऑफ किचन, जबकि ताड़ी इंटरनल स्टेयर है, फर्स्ट फ्लोर ते किचन की रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। सेम तुहानू बैडरूम्स मिल जाएंगे जिवें कि आप नीचे देखे सी, मास्टर बैडरूम, फॉल सीलिंग विद लाइट्स आ गई, प्लस तुहाडियां फैंसी लाइट आ गई, सारा कुछ नाल ही दिता जा रहा है। इस तरह तुहाडा ड्रैसिंग एरिया, दैन कबर्ड एरिया आ गया, अगेन टाइल बहुत प्यारी वॉशरूम से यूज की गई है, वॉशरूम कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा प्यारे तैयार किए गए हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइल्स बहुत प्यारे रखे गए हैं, इवन फ्लोरिंग टाइल जो एंटी स्किट है व्हाइट कलर से यूज की गई है, ऑफ व्हाइट, ये ज्यादा लुक नूं बेहतरीन बना रही है। आओ हुण चलते हैं फोर्थ बैडरूम की तरफ, इस तुहाडा फोर्थ बैडरूम आ गया,
देखो बिल्कुल सेम है जिस तरह का आपां नीचे वाला पोर्शन देखा सी, इस करके इस घर की लुक बहुत वधिया हो गई है। अगेन फॉल सीलिंग विद लाइट्स आ गई, एसी दे स्प्लिट दे प्रोविजन ने, यूपीवीसी डोर विंडो आ गई हर जगह ते। लुक आउट द सनमाइका डिजाइन डिजाइन इट्स ब्यूटीफुल। 200 गज 1,60,00,000 की कीमत, बहुत परफेक्ट है इस हाउस लिए। आम सारे बंदे ही 200 गज का घर 1,60,00,000 का बेचते हैं, पर इन्ने सोने नहीं होंगे वो घर, और स्पेशली वुडन वर्क किया जाता है। इतने तुम्हें तकरीबन यूपीवीसी डोर विंडोज मिल रहे हैं, विच इज कोस्टलीएस्ट, तो ज्यादा वो ज्यादा महंगे पैंते हैं। डिजाइन ज्यादा कोस्टली रखा गया है, डोर सारे वधिया रखे गए हैं, तो वो चीज़ें इस घर के लुक में थोड़ा जहा डिफरेंट बना दिया बाकी विलास के अकॉर्डिंग। इस तरह तो अटैच वॉशरूम आ जाएगा, और इस तरह तो ड्रेसिंग एरिया आ गया जिस विच कबर्ड्स ऑलरेडी बने हुए हैं। सो आई होप मार्केट बहुत सारे 1,60,00,000 के घर विक रहे हैं 200 गज के सेक्टर 125 की ही लोकेशन से, पर यह थोड़ा डिफरेंट है, तो तुहानू बहुत वधिया लग रहा होगा। एक बार तुहानू टैरेस एरिया भी दिखा देंगे, ये लॉबी एरिया आ गया। अगर तुहाडा कुछ समान हैगा या बारिश आती है तो तुम इस जगह पर रख सकते हो। बैक साइड जो तुम बिल्डिंग देख रहे हो इन केंद्रीय विहार कहते हैं, सो लोकेशन समझ गए होंगे, ओल्ड सनी इनक्लेव की लोकेशन है, सैक्टर 125 आ जाता है। अज मौसम साफ है, पहाड़ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं, इतों कसौली हिल स्टेशन बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। हो सकता है कैमरे से ज्यादा क्लैरिटी ना हो, पर रियल आई व्यू देखिए तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। सो यहो जी जगह पर घर बाय करना हरेक नूं वधिया लगता है। सो 1,60,00,000 विच इस 200 गज के घर नूं तुसीं अपना बना सकते हो, महज साढ़े दिते हुए नंबर पर कॉल करनी है। तो जल्दी तो सानू कॉन्टैक्ट करके विजिट प्लान कर लो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। थैंक यू एवरीवन।